नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार सागर एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रवि कुमार सागर इजी केमिस्ट्री एंड साइंस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है यूपीटेट और सीटेट 2019 के लिए, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों ने हमसे कहा था कि सर हमें सीटेट और यूपीटेट के लिए संस्कृत की वीडियो ज़रूर दें, तो मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो दे दिए हैं जो कि शब्द रूपों की हैं, जिसमें राम और वन के शब्द रूप मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रमा के शब्द रूप। लेकिन अगर आपने यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, आज मैं आपको रमा के शब्द रूप पढ़ाऊँगा, आप कैसे उन्हें याद करेंगे रमा के शब्द रूपों को। तो देखते हैं, रमा के शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी रमा के शब्द रूप आपके यूपीटेट में एग्जाम में 2019 में आए थे। तो रमा के शब्द रूप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए। ये विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। विभक्ति में आपको पहले ही बता चुका हूँ सात होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में होता है संबोधन। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वचन के ही जान लेंगे सातों विभक्तियों के। एक वचन में रमा का क्या होता है? प्रथमा में रमा, द्वितीय में हो जाएगा रमाम, तृतीय में रमिया, चतुर्थी में रमाय, पंचमी रमाया, षष्ठी भी रमाया। दोनों एक जैसी होंगे, ये ध्यान रखना। सप्तमी रमायाम और संबोधन में हे रमे। द्विवचन में देखेंगे रमे रमे, रमाभ्याम, 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 रमियो, रमियो, हे रमे। बहुवचन में देखेंगे रमा, विसर्ग का ध्यान रखें, रमा, रमा भी, रमाभ्य, रमाभ्य, रमणाम, रमेशु, सॉरी यहाँ पे रम हो जाएगा हमारा रमेशु, सॉरी रमाशु, हे रमा। तो दोस्तों, ये रमा के शब्द रूप, ये विभक्तियों के सातों, ये एक वचन में सातों विभक्तियां हैं, ये संबोधन लास्ट में।
याद करने का तरीका ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, रमा रमाम रमिया, रमाए रमाया रमाया रमायाम, हे रमे। द्विवचन में रमे रमे रमाभ्याम 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 रमियो रमियो, यहाँ विसर्ग का जरूर ध्यान रखना है, हे रमे। बहुवचन में रमा रमा रमाभि रमाभ्य रमाभ्य रमाणाम रमासु, और संबोधन में हे रमा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाए हैं आकारांत स्त्रीलिंग रमा यानी लक्ष्मी के शब्द रूप। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आकारांत का मतलब क्या होता है। आकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में आ आ की मात्रा होती है यानी आ से आम की, वो आकारांत होते हैं। स्त्रीलिंग तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ रमा को वर्णों में विभाजित करके कि कैसे। देखिए, रा में हलंत होता है प्लस तो ये हो गया र प्लस मा में हलंत और प्लस आ। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे आ, इस शब्द के अंत में ये आ जो आ रहा है यानी आ की मात्रा जो आ रही है, ये बताता है कि ये आकारांत आ यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है यानी आ की मात्रा आती है, आप ये कह सकते हैं उन्हें हम आकारांत कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके आधार पर हम अब और कौन से शब्द रूप बता सकते हैं। तो उससे पहले आप ने नोट कर लें। तो देखिए दोस्तों, रमा के आधार पर हम लता यानी बेल, कथा यानी कहानी, गंगा यात्रा, कला, अम्बा यानी माता, साला यानी घर, माला, पीड़ा, शिला यानी पत्थर आदि शब्दों के शब्द रूप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि आपने आकारांत रमा के शब्द रूप याद किए हैं या सीखे हैं तो दोस्तों आप बताइए ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।